हमारा क्वेश्चन है, अ वी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 50 रेवोल्यूशंस इन द फर्स्ट 5 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि एक व्हील है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि ओमेगा नॉट उसका इनिशियल ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है, फिर 5 सेकंड तक वो रोटेट करता है और वो क्या बोला हमें 50 रेवोल्यूशन करता है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी है 50 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हमें पूछा कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी फाइनल। ठीक है, तो जो हमारी जितनी भी इक्वेशंस थी, जो लीनियर लीनियर इक्वेशंस थी, इक्वेशन ऑफ मोशन जितनी भी थी, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सारी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, बस वहाँ की लीनियर क्वांटिटीज यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटीज से रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम चेंज कर देंगे एंगुलर क्वांटिटी से, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस यानी कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हमारा 50 है, इक्वल्स टू ओमेगा नॉट हमारा जीरो था, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो। ठीक है, तो हाफ अल्फा हमें निकालना है, तो टाइम हमें 5 दे रखा 25, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। अब हमें बोला फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यानी कि यू इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है इसमें, ये तो जीरो है हमारा, 4 × 5 इक्वल्स टू 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर, ये हमारा दूसरा आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,